हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इस कोठी के डिजाइन के बारे में। हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे पास फ्रेंड्स आज की एक 50 फिट की मींस की 50 फिट बाई 50 फिट की ये हमारे पास अपनी एक कोठी का डिजाइन है। बहुत ही अच्छा डिजाइन है, आप इसको देख सकते हैं। एकदम लग्जरियस हमारे पास ये कोठी का डिजाइन रहने वाला है। हमारे पास इसका जो एलिवेशन है बहुत ही शानदार है, और इसी डिजाइन का 3D मॉडल के बारे में इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। हम फ्रेंड्स आपको लेके चलते हैं इस डिजाइन के 3D मॉडल की तरफ। ये फ्रेंड्स हमारे पास का 3D में मॉडल है, तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास इसका ये जो फ्रंट है 50 फिट का इसका फ्रंट है, और लेंथ की बात करें तो लेंथ भी हमारे पास की 50 फिट की है, मीन्स की 50 फिट की हमारे पास की लेंथ है और 50 फिट हमारे पास की चौड़ाई है। प्लॉट के मीन्स कि ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया है, कंस्ट्रक्शन एरिया के चारों साइड में अपनी ही प्रॉपर्टी है, तो चारों साइड में इसमें विंडोज रहने वाली हैं। इसमें बैक साइड में भी अपनी ही जगह है, राइट साइड में भी अपनी ही जगह है, लेफ्ट साइड में भी अपनी ही जगह है, और फ्रंट में भी एक काफ़ी बड़े साइज का स्पेस है। इसके अंदर ये हमारे पास अपना 50 फिट बाई 50 फिट का ये फ्रंट हमारा घर है, जिसमें हमारा ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर को हमने इसमें पूरा कवर किया है, और इसका जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे समथिंग हाफ पोर्शन में हमने इसका डिजाइन दिया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे इसका हाफ पोर्शन रहेगा, और जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर हमारा ये पूरा ही ये हमारा कवर होने वाला है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, काफ़ी शानदार ये हमारा आज का मॉडल है, आज का ये हमारा डिजाइन है। डिजाइन में यदि इसके फिनिशिंग की बात करें तो इसमें हमारा जो वर्क हुआ है, इसमें ये हमारे पास अपना टाइल का वर्क हुआ है, ये हमारे टाइल की फिनिशिंग है। बाकी हमारे पास इसमें जितना भी वर्क आप देख रहे हैं इस वाले टेक्सचर को छोड़ के, पूरा पेंट में हमारा वर्क हुआ है, पेंट फिनिश में हमारे वर्क है। रेलिंग में हमने इसमें जाली का यूज किया है, ये हमारे पास अपना इसमें CNC कटिंग में ये हमारा जाली का ये डिजाइन रहने वाला है। ममटी के अंदर हमने ग्लास का यूज किया है, ये हमारे पास एक ग्लास का वर्क हुआ है, और जो हमारा ममटी का डिजाइन है इसमें भी हमने ये मॉडलिंग में ये वर्क किया हुआ है, और इसकी जो पैरापिट वॉल है, पैरापिट वॉल में भी हमने मॉडलिंग में ही ये वर्क किया हुआ है, ये हमारे पास अपना मॉडलिंग में वर्क ये रहने वाला है। इधर साइड में भी हमारे पास अपना ये टाइल का वर्क रहेगा, ये जो हमारी ममटी है, ममटी में भी हमारे पास इसमें टाइल का वर्क है, बाकी पूरा हमारे पास ये पेंट फिनिश में हमारे वर्क हुआ है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास अपना एलिवेशन डिजाइन है, हम आपको लेके चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के 3D प्लान की तरफ। ये फ्रेंड हमारे पास अपने ग्राउंड फ्लोर का 3D प्लान है, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास इसमें जो स्पेस है पार्किंग का, इसमें हमारे पास 3 गाड़ी की पार्किंग का हमारे पास स्पेस रहने वाला है। 3 गाड़ी आप यहाँ पे बहुत आसानी से पार्क करा सकते हैं, 3 कार हमारी पार्क हो सकती हैं। और ये हमारे पास अपना फ्रेंड्स जो पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया से ही हमने घर के अंदर जाने के लिए यहाँ पर हमने ये मेन डोर रखा हुआ है, ये हमारे घर का मेन डोर होगा। और यहाँ पर हमने फ्रेंड्स ये दिया हुआ है अपने ड्राइंग रूम में जाने के लिए डोर दिया हुआ है, ये हमारा ड्राइंग रूम में जाएगा, और इस डोर से हम अपने घर के अंदर एंटर करेंगे। पहले फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने ड्राइंग रूम में, मीन्स की गेस्ट रूम में हम चलते हैं। तो ये हमारा डोर होगा, इस डोर से हम एंटर करेंगे अपने ड्राइंग रूम में। ये हमारे पास अपना एक बड़े साइज का ड्राइंग रूम है, जो कि 18 फिट हमारे पास की चौड़ाई है ड्राइंग रूम की, तो काफ़ी बड़े साइज का ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में आप देखेंगे फ्रंट में हमें बड़े साइज का विंडो भी मिलने वाला है, और एक विंडो मिलने वाला है इसके लेफ्ट साइड में, तो हमारे पास इसमें 2 विंडोज़ बड़े साइज की ये मिलने वाली हैं ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम के अंदर हमें मिलने वाला है पाउडर रूम का डिजाइन, आप इसको एक टॉयलेट भी बोल सकते हैं, टॉयलेट हमारे पास मिलने वाला है। टॉयलेट के अंदर हमारे पास टॉयलेट सीट रहेगी, और इसमें हमारे पास सिर्फ एक बेसिन रहेगा, तो टॉयलेट सीट और बेसिन रहेगा, जिसको हम अपना एक पाउडर रूम भी इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास अपना ड्राइंग रूम का डिजाइन है, ड्राइंग रूम के अंदर हमारे पास अपना ये टॉयलेट रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्लान में, आप देखेंगे ये हमारे घर का मेन डोर है, मेन डोर से जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारी एंट्री होने वाली है अपने इस डाइनिंग हॉल के अंदर। ये हमारे पास अपना एक बड़े साइज का हमारा डाइनिंग हॉल है, और ये जो हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के अंदर से भी हम अपने डाइनिंग हॉल में जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डोर है, इस डोर से जो कि हमारे पास अपना एक ओपनेबल रहेगा, इस डोर से भी हम अपने इस डाइनिंग हॉल के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये हमारे पास अपना डाइनिंग हॉल रहेगा, बहुत बड़े साइज का है, आप इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास अपना ये जो घर है, ये जो हमारा डिजाइन है, पूरा अंदर से एक बड़े साइज का आंगन इसके अंदर ये रखा हुआ है। गांव में आंगन बोल देते हैं, लॉबी बोल देते हैं। और यहाँ से ही हमने ये स्टेयरकेस को भी अप कराया हुआ है, यहाँ से जाने वाले हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारे पास अपना स्टेयर्स का फ्रंट से डिजाइन ये रहने वाला है। स्टेयर्स के जस्ट नीचे हमें यहाँ पर मिलने वाला है कॉमन बेसिन का डिजाइन, और यहाँ पर हमें फ्रंट पर मिलने वाला है एक हमें विंडो का डिजाइन। तो इस विंडो से ही हमारे इस पूरे हॉल का अच्छे तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा।
यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है पूरा ही ये ओपन किचन, हमें ये मिलने वाला है ओपन रहने वाला है किचन, और मॉड्यूलर हमारा ये किचन का डिजाइन है। इसमें हमारे पास यहाँ पर मिलने वाला है 3 चेयर के लिए हमने ब्रेकफास्ट काउंटर भी है इसमें हमने रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास अपना किचन रहेगा जो पूरा ही हमारा ओपन रहने वाला है। किचन के अंदर भी हमें यहाँ पर एक विंडो मिलने वाला है, तो इस विंडो से ही हमारे अपने इस किचन का भी अच्छे तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है किचन के अंदर एक स्टोर रूम का डिजाइन, ये हमारे पास अपना एक स्टोर रूम रहेगा जो कि किचन के अंदर से रहने वाला है। स्टोर रूम में हमने एक बाहर से डोर रखा हुआ है, जैसे कि हमें घर के अंदर या फिर किचन के अंदर या स्टोर रूम के अंदर कोई भी सामान स्टोरेज कराना है तो हम इस वाले डोर का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमें यहाँ पर एक बेडरूम मिलने वाला है, ये हमारा बेडरूम होगा। बेडरूम के अंदर हमें 2 विंडो मिलेंगी, तो दोनों विंडोज से हमारे इस बेडरूम का अच्छे तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास अपना बेडरूम है, बेडरूम के साथ में हमें मिलने वाला है अटैच टॉयलेट का डिजाइन, ये हमारा अटैच टॉयलेट रहेगा जो कि बेडरूम के साथ में रहने वाला है। और ये जो हमारा टॉयलेट है इसके अंदर हमने वादिंग एरिया को, टॉयलेट शीट दोनों को इसके अंदर हमने कंबाइंड ही रखा हुआ है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमें एक बेडरूम मिलेगा, और ये जो हमारा बेडरूम है इस बेडरूम के अंदर हमें यहाँ पर एक विंडो मिलेगा, तो उस विंडो से ही हमारे इस बेडरूम काफ़ी वेंटिलेशन अच्छे तरीके से होता रहेगा। ये जो हमारा बेडरूम है इसके साथ में हमें मिलने वाला है अटैच टॉयलेट, ये वाला, ये हमारा अटैच टॉयलेट रहेगा जो कि हमारा ये इस वाले बेडरूम के साथ में अटैच रहने वाला है। ये जो फ्रेंड्स हमारा टॉयलेट है इसके अंदर भी हमने वादिंग एरिया को और टॉयलेट शीट दोनों को इसके अंदर भी हमने कंबाइंड ही रखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे प्लान में, आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक और बेडरूम मिलने वाला है, हमारे पास 3rd नंबर का बेडरूम मिलने वाला है, और इस बेडरूम के अंदर भी हमें ड्रेस रूम और टॉयलेट दोनों हमारे पास ही मिलने वाले हैं। इसमें हमारा ड्रेस रूम भी रहेगा, साथ में हमारा टॉयलेट भी रहेगा। टॉयलेट के अंदर भी हमने वादिंग एरिया को, टॉयलेट शीट दोनों को इस पे अंदर हमने कंबाइंड रखा हुआ है। और इस बेडरूम में हमारे पास यहाँ पर मिलने वाला है विंडो का डिजाइन, और एक विंडो मिलने वाला है हमारे पास इधर साइड में, तो हमारे पास 2 विंडो इस बेडरूम के अंदर भी हमें ये मिलने वाली हैं। तो ये जो फ्रेंड हमारे पास अपने ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास इसमें 3 बेडरूम है, तीनों बेडरूम के साथ में अटैच टॉयलेट है। ये जो बेडरूम है इसके साथ में अटैच ड्रेस रूम भी है। ये जो हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के साथ में भी अटैच टॉयलेट है। तो हमारे पास सभी रूम्स के लिए अपना प्रॉपर टॉयलेट हमने इसमें डिजाइन किया हुआ है। तो ये हमारे पास अपने ग्राउंड फ्लोर का 3D में प्लान है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये फ्रेंड्स हमारे पास अपने फर्स्ट फ्लोर का 3D प्लान है। तो फर्स्ट फ्लोर पे ये फ्रेंड्स हमारा जो डिजाइन है, फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास बैक साइड में एज इट इज 3 बेडरूम रहने वाले हैं। तीनों बेडरूम के अपने अटैच टॉयलेट भी रहने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो बेडरूम है ये हमारा बेडरूम रहेगा, इसके साथ में अटैच टॉयलेट हमें यहाँ पर मिलने वाला है। ये जो बेडरूम है इसके साथ में अटैच टॉयलेट हमें यहाँ पर मिलने वाला है, और ये जो हमारा बेडरूम है इसके साथ में अटैच टॉयलेट और ड्रेस रूम हमें यहाँ पर ये मिलने वाले हैं। सभी रूम्स के लिए एक प्रॉपर वेंटिलेशन का हमने ध्यान रखा हुआ है। बैक साइड में आप देखेंगे हमारे पास सभी रूम्स में प्रॉपर विंडो का प्रोविजन हमें इसमें किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास अपने फर्स्ट फ्लोर पे 3D में प्लान है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम है, तीनों बेडरूम के साथ में अटैच टॉयलेट हैं। और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में भी हमारे पास 3 बेडरूम है, तीनों के साथ में अटैच टॉयलेट हैं। टोटल हमारे घर के अंदर 7 रूम हैं, जिसमें 6 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है। तो 6 BHK का ये फ्रेंड्स हमारे पास अपना आज का मॉडल है, जिसमें हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर हमारे पास ये पूरा कवरेज एरिया है। और जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर हमने इसमें आधे से कम ही हमने इसमें कवर किया हुआ है, आधे से कम ही हमारा ये डिजाइन है। बाकी आप देखेंगे जो हमारा एलिवेशन है, एलिवेशन में आप देखेंगे कि फर्स्ट फ्लोर पर हमारे पास यहाँ पर ये बरामदा ये रहने वाला है, ये हमारा बरामदा रहेगा अपने फर्स्ट फ्लोर पर। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये हमारा बरामदा है अपने फर्स्ट फ्लोर पे। इधर साइड में भी हमारा बरामदा रहने वाला है, और हमारे पास ग्राउंड फ्लोर में ये कुछ इस तरीके से बड़े साइज का पार्किंग स्पेस हमने इसमें रखा हुआ है। 3 गाड़ी की पार्किंग हमारे यहाँ पे हो सकती हैं। तो कुछ इस तरीके से ये फ्रेंड्स हमारे पास अपना आज का मॉडल है, ये हमारा आज का डिजाइन है। ये जो फ्रेंड्स हमारा डिजाइन है, डिजाइन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।